अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बोफा सिक्योरिटीज ने चेतावनी दी है कि अगर देश भर में एक महीने का लॉकडाउन लगाया जाता है तो जीडीपी में 2% तक की गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज कंपनी ने उम्मीद जताई है कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए लोकल लॉकडाउन का ही विकल्प आजमाया जाएगा और सरकार देश भर में तालाबंदी नहीं करेगी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी भरोसा दिया था कि संपूर्ण लॉकडाउन का सरकार का कोई इरादा नहीं है। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। इवन विद द सेकेंड वेव वी आर वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग इन फॉर लॉकडाउन्स इन अ बिग वे। वी डोंट वांट टू टोटली अरेस्ट द इकोनॉमी। लोकल लेवल आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स और households which have people in quarantines are the methods through which the crisis will be handled, the second wave will be handled. There shall not be a lockdown. बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने पहले तक कोविड की रोजाना मामलों की संख्या 35,000 थी। अभी आंकड़ा 7 गुना बढ़कर 2.5 लाख के पार चला गया है। इससे आर्थिक रिकवरी को झटका लगने का जोखिम पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देखने की ये बात है कि क्या कोविड 19 की दूसरी लहर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के बिना खत्म होती है या नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर एक महीने के लिए भी लॉकडाउन लगाया जाता है तो जीडीपी को 1-2% का नुकसान होने का दावा बोफा सिक्योरिटीज ने किया है। अगर अब इसको अभी तक के आए आंकड़ों के अनुपात में देखें तो बड़े पैमाने पर नुकसान शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के पहले 10 दिनों में ही रिटेलर्स को 46,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मॉल समेत तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स में बिक्री रोजाना के 15,000 करोड़ से घटकर आधी रह गई है। दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन से दुकानदारों को 4,200 करोड़ के नुकसान की आशंका है। अप्रैल में कार डीलर्स को 6,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रिटेलर्स का कारोबार अभी तक जारी पाबंदियों से 40% तक लुढ़क गया है। सरकार के रेवेन्यू का मुख्य सोर्स बने हुए पेट्रोल डीजल की बिक्री भी मौजूदा पाबंदियों के सामने लुढ़कनी तय है। कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि लोकल लॉकडाउन समेत तमाम पाबंदियों का असर कारोबार पर होना शुरू हो गया है। हालांकि सरकार इस बार लॉकडाउन से बचती नजर आ रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महामारी की दूसरी लहर से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से बचने के लिए कारोबारियों से सुझाव भी मांगे हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार के सामने बड़ी दुविधा की हालत है कि वो कैसे इस पर कंट्रोल करते हुए अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखे। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो एक दिन में इकोनॉमी में 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिला था, और अगर इस बार सरकार डिसीजन लेती है कि वो एक महीने का लॉकडाउन करती है तो लगभग जीडीपी 2% तक गिरती हुई नजर आ सकती है, और इसी वजह से कोई भी यहां पर डिसीजन नहीं लेना चाहता। वैसे अर्थव्यवस्था को नुकसान होना शुरू हो चुका है और ब्रोकरेज एजेंसियों के अनुमानों में गिरावट इसका सबूत है। अब तो यही देखना होगा कि सरकार गिरावट को कितना कम करने में कामयाब होती है।